हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 डीएनएस केस एनालिसिस करके बताऊंगी और उनकी मेडिसिंस बताऊंगी कि किन कारण से होता है और ये डीएनएस कम्प्लीटली क्योर कैसे कर सकते हैं। ये एक सर्जिकल कंडीशंस है, होम्योपैथी इसे परमानेंट क्योर करती है और कम्प्लीट क्योर करती है। मैंने अपने प्रीवियस 3 वीडियोस में डीएनएस की मेडिसिन डिस्क्लोज की है, उनके कॉजेस, सिम्टम्स, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स सब बताए हैं। आज ये वीडियो 4th वीडियो है जिसमें मैं 5 केस एनालिसिस करूंगी डीएनएस के, कॉजेस, सिम्टम, अदर कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड राइट इंस्ट्रक्शंस सब बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और 5 केसेस हैं उनको एनालाइज करिए अपने केस से। अगर आपके सिमिलर सिम्टम हैं और एक्यूरेट मैच होते हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। होम्योपैथी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं। डीएनए एक सर्जिकल कंडीशंस है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते कि होम्योपैथी डीएनए ट्रीट कर सकती है। तो आज मैं जो 5 केसेस आपको बताऊंगी तो आप उसमें से एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस तरीके के सिम्टम होते हैं और कैसे कैसे ये मेडिसिन यूज़ करने से डीएनएस कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। डीएनएस केस एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ डीएनएस क्या है। डीएनएस डिवाइडेड नेजल सेप्टम होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल बिटवीन नॉस्ट्रिल। एक वॉल होती है, एक बोन होती है जो डिस्प्लेस हो जाती है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ना होकर वो डिस्प्लेट हो जाती है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और डीएनएस के कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस ऑफ डीएनएस, कंजिनाइटल इंजरी टू नोज बट डिसऑर्डर, एक्सीडेंटल इंजरीज टू द नोज, ये 3 कारण होते हैं। इन 3 कारण से और एक अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी डीएनएस अपियर हो जाते हैं, क्योंकि एक वॉल डिस्प्लेस होती है। इनके साइनिंग सिम्टम्स कैसे होते हैं, लक्षण कैसे होते हैं? डिफ़िकल्टीज ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, नोज़ ब्लीडिंग भी अपीयर हो जाता है, साइनस पेन होता है, फेशियल पेन होते हैं, ड्राइनेस नॉस्ट्रल हो जाती है, स्नोरिंग, हेडेक, फ्लू लाइक सिम्टम, कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, रनी नोज, कंजेक्शंस, ब्लॉकिंग ऑफ द नोज एट स्लीपिंग, ऐसे सिम्टम अपीयर होते हैं। रात में सोने के टाइम में सांस प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, मुँह से सांस लेते हैं और रनिंग नोज होता है, ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। और अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, जैसे रिकरेंट साइनस अपीयर हो जाता है, मिडिल ईयर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स, लैरिंग्स, थ्रोट, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स भी कभी कभी अपीयर हो जाते हैं। ये अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डीएनएस के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और अस्थमा, एट्रोपिक रिनाइटिस भी अपीयर हो जाता है। इनके जो डिफरेंट डायग्नोसिस होते हैं वो हाइपरट्रोफाइड होता है, टर्बिनेट बोन, पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स, ऐसे कॉम्प्लिकेट एंड डिफरेंट डायग्नोसिस बनाते हैं जो डीएनएस के साथ होते हैं, अपीयर हो जाते हैं। डीएनएस का फर्स्ट केस है, फर्स्ट पेशेंट नेम है श्रीनिवास राव, द एज है 28, मेल हैं, ऑक्यूपेशन इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्रेजेंट कंप्लेन है इनकी, ही इज़ ए सफरिंग एवरी टाइम कोल्ड कफ, थ्रोट पेन, स्नीजिंग, रनिंग नोज, ईचिंग नोस्ट्रल्स सिंस 5 to 6 ईयर। इनको ये कमले 5 से 6 साल से है और अभी तक क्योर नहीं हो पाए, तो होम्योपैथिक लेने के बाद जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो ये कम्प्लीट क्योर हो गए। वो ये जो मेरे प्रीवियस केसेस हैं मैं वही आपको एनालाइज करके और उनका मेडिसिन आपको बता रही हूँ। इस केस से सिमिलर अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो श्रीनिवास राव की पास्ट जो कंप्लेन है वो ईयर इन्फेक्शन था, हिज टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, जो उन्होंने ईयर इन्फेक्शन के लिए एलोपैथ मेडिसिन लिए थे। फैमिली हिस्ट्री में हिज मदर सफरिंग साइनस और अदर कॉम्प्लिकेशंस में क्रॉनिक हेडेक, फोरहेड, क्योंकि मॉर्निंग में होते थे मोस्टली। इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमने दिया है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने से पहले ये बता दूं कि ये श्रीनिवास की जो कंप्लेन है डीएनएस की, तो ये
किस क्रम में बढ़ती है और घटती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मॉडलिटीज होती है, एग्रेवेशन एंड एम्ब्रोडेशन। तो ये कंप्लेन इनकी वार्म रूम मतलब वार्म वेदर में ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे ही गर्म कमरे में गए या गर्म सन के टच में आए, आफ्टरनून है या समर वेदर है, तो उसमें ये कंप्लेन इनकी डीएनएस की बढ़ जाती है, बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। और रिलीफ कब होता है, जैसे कोल्ड वेदर के टच में आते हैं या कोल्ड एप्लीकेशंस ले लेते हैं या ठंडी जगह बैठ जाते हैं या ठंडी हवा लगती है, तो इनको रिलीफ हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग भी इस अच्छे से मेंशन करिए, इसको देखिए अपने केस को कि किस तरीके से आपकी जो कंप्लेन है वो घटती और बढ़ती है, किस समय आपको आराम मिलता है, किस समय बढ़ जाता है। तो ये भी एक मेजर रोल होता है। तो ये मॉडलिटीज़ में श्रीनिवास जी की जो कंप्लेन है वो गर्म में बढ़ती है और ठंड में कम होती है। तो इसके हिसाब से ये मेडिसिन मैंने जो इनको दी है वो एलियम सीपा 200 times a day अ डे फॉर 4-12 weeks के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4 pills मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, 4 pills इवनिंग नाइट आफ्टर डिनर बिफोर गोइंग टू बेड। और साथ में एक बायोकेमिक मेडिसिन से वो भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्टर में हो 6x 2 tablets 3 times a day मॉर्निंग 2 tablets आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर 2 tablets यूज़ कर सकते हैं 4-3 weeks 12 weeks के लिए 3 months। ये मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ करने के बाद कैसा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैं आपको सेकेंड पेशेंट का केस एनालाइज करके बताती हूँ। जो सेकेंड पेशेंट है मेरी, पेशेंट नेम है श्रुति, एज 18 years फीमेल, को पेशेंट स्टूडेंट है। प्रेजेंट कंप्लेन थी इनको कंटिन्यूसली रनिंग नोज है, बच्ची को कंटिन्यूसली रनिंग नोज है, बर्निंग सेंसेशन, सी कांट ब्रीथ फ्रॉम नोज, मुँह से नोज नाक से सांस नहीं ले पाती थी, मुँह से ही सांस लेती थी, और टोटली नोज स्टॉप हो जाती है एट नाइट ड्यूरिंग नाइट में स्लीपिंग टाइमिंग में। समटाइम्स शी इज़ फीलिंग नोज ब्लीडिंग आफ्टर वॉशिंग फेस, जैसे ही मुँह धोते हैं नहाते हैं तो अचानक से उसको स्लाइट नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कंप्लेन इस बच्ची को सिंस 5 years से है, लास्ट 5 years से ये कंप्लेन कंटिन्यूसली डीएनएस से सफ़र कर रही है। इसकी पास्ट हिस्ट्री थी, समटाइम्स शी इज़ फीलिंग फीवर एंड कोल्ड कफ, कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में फादर डायबिटिक मेलाइटिस है, शुगर है उनके फादर को। अदर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, ल्यूकेरिया, वाइट डिस्चार्ज होते थे और हॉट फीलिंग्स होती थी, समटाइम कॉन्स्टिपेशंस भी आ जाते थे। शी इज़ फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत डरती थी, क्योंकि जैसे ही पानी के टच में आती मुँह धोती हाथ पाँव, जैसे ही नहाते धोते और मुँह धोते तो उसको स्नीजिंग कोल्ड कफ शुरू हो जाता है इमिडिएटली। और ओबिसिटी है, ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्दी है, फियर है। इसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी है। मैंने बता दूँ आपको, जो इसका कंप्लेन है वो वाटर के टच में आने से बढ़ता था, मतलब जैसे ही ठंड इवनिंग में इसकी कंप्लेन शुरू हो जाती थी, अर्ली मॉर्निंग कंप्लेन शुरू हो जाती थी, और जब ठंड जब समर स्टार्ट होते हैं या सनलाइट में आते हैं आफ्टरनून में तो उसको रिलीफ हो जाता है पेशेंट्स को। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कब बढ़ता और घटता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो श्रुति को ये कंप्लेन ठंड में बढ़ती और गर्म में कम होती थी। तो इस पेशेंट को हमने मेडिसिन दी है अमोनियम कार 200 times a day फॉर 12 weeks के लिए, मॉर्निंग 4 pills एम्प्टी स्टमक एंड इवनिंग 4 pills आफ्टर डिनर बिफोर गोइंग टू बेड, विद नेट्रम्यो 6x 2 tablets 3 times a day 2 tablets आफ्टर ब्रेकफास्ट, 2 tablets आफ्टर लंच, 2 tablets आफ्टर डिनर। ये बोथ मेडिसिन से तो यूज़ कर सकते हैं। अगर श्रुति जैसे आपके सिम्टम्स हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ करके रैपिड इफ़ेक्ट उठा सकते हैं, आपका बेनिफिट्स होते हैं, बहुत रैपिड इफ़ेक्ट करती है बॉडी में, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है डीएनएस का। अब मैं आपको बताती हूँ जो थर्ड हमारा केस है वो है स्वर्णलता, एज 35 फीमेल और हाउस वाइफ हैं। इनकी प्रेजेंट कंप्लेन है डीएनएस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल, कोल्डनेस फीलिंग, स्नीजिंग एवरी टाइम, ये हमेशा ही स्नीजिंग छिकें आती रहती थी, डिफ़िकल्टीज ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती थी, ड्राइनेस नोज, हमेशा ड्राइनेस फील होता था, नोशिया फील होता था समटाइम,
और इनको समटाइम्स रनिंग नोज भी अपीयर हो जाते थे, जैसे वेदर के टच में आते तो हो जाता। ये कंप्लेन इनको 10 ईयर्स से है, जैसे ही वाटर के टच में आना या कोई काम करते हैं तो इमिडिएटली स्नीजिंग कोल्ड कफ शुरू हो जाते हैं। इनकी पास्ट हिस्ट्री है एनेमिक एनेमिया फॉर ट्रीटमेंट टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। इन्होंने भी एनेमिया के लिए एलोपैथ मेडिसिन लिया, होम्योपैथी नहीं लिए। अब जाके इन्होंने होम्योपैथी में डाइवर्ट हुए और ये कंप्लीट क्योर हुए हैं। लास्ट 10 ईयर से इनको ये कंप्लेन थी, बहुत सारा एंटीबायोटिक बहुत सारा मेडिसिन लेने के बाद भी ये कंप्लेन इनको रिड्यूस नहीं हुई। इनकी फैमिली हिस्ट्री में मदर को साइनस थे, अदर कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्रॉनिक हेडेक थे इनको और मॉर्निंग टू इवनिंग, जैसे ही सनराइज टू सनसेट, मॉर्निंग में जैसे ही सूरज निकलते और शाम को घटते वैसे इनकी कंप्लेन बढ़ती और घटती थी। डिज़ायर फॉर साल्टी, इनको नमक बहुत ज़्यादा खाते थे और बहुत पसंद करते हैं, सॉल्टी फूड ज़्यादा पसंद करती थी ये स्वर्णलता। तो इनकी जो कंप्लेन है वो किस टाइम पे बढ़ती और घटती थी, वाटर के टच में तो आती बढ़ती ही है पर प्लस आफ्टरनून में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, आफ्टरनून में इनको बहुत दिक्कत होती है, सोने के टाइम में रिलीफ मिल जाता है। तो इनकी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं ये नेट्रोम्योर 2 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए, 4 पिल्स मॉर्निंग 4 पिल्स इवनिंग, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, इवनिंग आफ्टर डिनर हाफ एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड। एंड बायोकेमिक मेडिसिंस में फेरम फॉस 6x 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, 2 टैबलेट्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, 2 टैबलेट्स आफ्टर लंच, 2 टैबलेट्स आफ्टर डिनर, ये बोथ मेडिसिन हैं, यूज़ कर सकते हैं 12 वीक्स के लिए। अगर स्वर्णलता से रिलेटेड आपके सिम्टम्स हैं और आप एनेमिक हैं तो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इस इन ट्रीटमेंट में जो डाइट इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, पहले आप ये केस को एनालाइज करिए अपने केस से, अगर आपके सिमिलर सिम्टम हैं तो आप इनमें जो जिस केस से मैच करते हैं उस केस की आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। DNS के 4th केस है अनिल, ये पेशेंट नेम है अनिल, 30 एज मेल है, ऑक्यूपेशन है प्राइवेट जॉब करते हैं। इनकी प्रेजेंट कंप्लेन क्या है, कोल्ड कफ, कोराइजा, वाटरी डिस्चार्ज, कंप्लीट नोज ब्लॉकेज, सोननेस ऑफ नॉस्ट्रिल, DNS सिंस 8 to 10 ईयर्स। इनको स्नीजिंग, कोल्ड कफ, स्लाइट फीवर और रात में कंप्लीट नोज ब्लॉक हो जाता है, डिफ़िकल्टीज ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये कभी रात में और दिन में कभी भी नोज़ ब्लॉक हो जाती है इनके। और जो DNS है डिवाइटेड नेजल सिम्टम वो भी अपीयर है, एलोपैथ डॉक्टर ने इनको डायग्नोज बताया कि DNS है और सोननेस ऑफ नॉस्ट्रिल। ये इनकी जो ये कंप्लेन है वो किस टाइम पे बढ़ती और घटती है, ये जो DNS है, कोल्ड कफ, स्नीजिंग, वाटरी डिस्चार्ज, रनिंग नोज, स्नीजिंग, ये इनको किसी भी टाइम में बढ़ जाते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। रिलीफ करने के लिए ओपन एयर में इनको रिलीफ मिलता है, जैसे और कोल्ड विंड वगैरह, जैसे ठंडी हवा चली या वेदर चेंज हुए तो इमिडिएटली ये कंप्लेन इनको अपीयर हो जाती है, क्योंकि 8 से 10 साल से ये सफ़र कर रहे हैं। इनकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो स्लाइट फीवर है, ऐसा कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं है, बस इनकी यही एक कंप्लेन है जो 8 से 10 साल से ये सफ़र कर रहे हैं DNS का। बहुत सारा एलोपैथ मेडिसिन लिया और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया तो इनको लगा कि एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए होम्योपैथिक में। बहुत सारे लोगों ने इन्हें सजेस्ट किया कि होम्योपैथिक में DNS ट्रीटमेंट है, तो इनने DNS ट्रीटमेंट लिया, एट 50-80% इनको रिलीफ है, पर ये पेशेंट अभी रनिंग में है क्योंकि बहुत टाइम से इनको क्रॉनिक है ये DNS। इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है, फादर को BP और ओनली BP है, और अदर कंप्लेंस हैं अनिल को, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाते हैं और स्लाइट थ्रोट पेन होता है, साथ में ठंडी चीज़ें खा लेने की वजह से थ्रोट पेन अपीयर हो जाते हैं, वैसे कोई स्पेसिफिक डिसीज़ नहीं है अदर कॉम्प्लिकेशन में, थायराइड कुछ भी नहीं है इन्हें। होम्योपैथिक मेडिसिन से आरम ट्रिफाइलम 200 2 टाइम्स अ डे 4 पिल्स
टू टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक्स, फोर पिल्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, फोर पिल्स इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड आफ्टर डिनर हाफ एन आवर, ये यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक बायोकेमिक मेडिसिन है फेरम फॉस, 6x टू टैबलेट्स, 6x टू टैबलेट्स थ्री टाइम्स अ डे, टू टैबलेट्स मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, टू टैबलेट्स आफ्टर लंच, टू टैबलेट्स आफ्टर डिनर, ये बहुत मेडिसिन है, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर अनिल के जैसे सिम्टम्स हैं आपके तो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, और सिम्टम्स सिमिलर हैं और अदर कॉम्प्लिकेशंस और भी हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। डीएनएस का फिफ्थ केस है आरके रेड्डी, पेशेंट नेम है आरके रेड्डी, एज है 38 ईयर, मेल हैं, प्रोफेशन है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ये। इनकी प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है आरके रेड्डी की, कंजेशन ऑफ नोज, टाइटनेस फीलिंग ऑफ नोज, डिफिकल्टीज ब्रीथिंग, बॉयल ऑन नोज, अल्सरेट ऑफ नॉस्ट्रिल, पॉलिप्स, स्नीजिंग, स्नोरिंग, समटाइम रनिंग नोज, डीएनएस अपेयरिंग, पेशेंट को डीएनएस है आरके रेड्डी जी को सिंस 5 to 8 ईयर्स। इनकी पास्ट हिस्ट्री में पास्ट कंप्लेंट थी आई इन्फेक्शन, स्वेलिंग एलर्जी और कॉला, डायरिया और कॉला जैसे भी कंप्लेन अपेयर हो गई थी, तो उसके लिए भी इन्होंने ही टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, होम्य एलोपैथी ट्रीटमेंट ही यूज़ किया, होम्योपैथी नहीं। फैमिली हिस्ट्री में नो स्पेसिफिक। आर के रेड्डी जी की जो डीएनएस कंप्लेन है वो किस टाइम पे बढ़ती और घटती है, तो इनके जो सिम्टम्स हैं वो वॉकिंग टाइमिंग और आफ्टरनून और आफ्टर स्लीप, ये कंप्लेन बढ़ जाती है इनकी, और जो एम्बलोरेशन होता है बेटर फीलिंग करते हैं वो रेस्ट टाइम में, ड्यूरिंग नाइट रेस्ट टाइम पे इनको ये कंप्लेन में रिलीफ मिलता है। इनके अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, अदर कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्राइटिस कंप्लेन थी इन्हें, अदर कॉम्प्लिकेशन में गैस्ट्राइटिस, हार्ट बर्निंग इन द सेंस, नोशिया फीलिंग, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर और बिल्चिंग से स्टार्ट हो जाते हैं इंस्टेंटली, कैसे भी कुछ सोर्सेस यूज़ किया टेक किया तो बिल्चिंग स्टार्ट हो जाते हैं और गले में जलन से शुरू हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस की कंप्लेन भी प्रेजेंट थी इनको डीएनएस के साथ में। आरके जी को गैस्ट्राइटिस के साथ डीएनएस के साथ एक लेफ्ट साइड पॉलिप भी अपीयर थे, पॉलिस भी थे और बॉयल भी कभी कभी अपेयर हो जाते, वो जाते और आते रहते, बॉयल्स नोज में हो जाते तो ऑटोमेटिक ही वो रिडक्ट हो जाते, ऑटोमेटिक ही फिल कम इन नोज, तो इससे भी इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत हॉरिबल कंडीशन हो, तो उसके लिए भी इन्होंने एलोपैथ ट्रीटमेंट लिया बहुत सारा, तो बॉयल्स तो ट्रीट हो जाते पर पॉलिप्स और डीएनएस ट्रीट नहीं होते, तो इसलिए होम्योपैथिक में डाइवर्ट हुए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। अभी भी ये रनिंग में है क्योंकि क्रॉनिक इनको डीएनएस है, पर 50 to 80% इनकी कंप्लेन रिडक्ट हो गई है और भी जो ट्रीटमेंट लॉन्ग लास्टिंग लेते रहेंगे तो ये कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा डीएनएस। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, फर्स्ट है कैडमिक सल्फेट 30 पोटेंसी में 30 पावर 2 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ करना है, 4 पिल्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, 4 पिल्स इवनिंग आफ्टर डिनर बिफोर गोइंग टू बेड, और साथ में एक बायोकेमिक मेडिसिन से वो भी यूज़ कर सकते हैं, नेट्रम न्यू 6x टू टैबलेट 3 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 टैबलेट्स, आफ्टर लंच 2 टैबलेट्स, आफ्टर डिनर, ये बहुत मेडिसिन हैं ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स आर के रेड्डी के जैसे हैं तो ये मेडिसिन यूज़ करिए, आपको रैपिड इफेक्ट होगा, और अदर अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं आपको सिम्टम मैच करते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट है या आपकी जो मॉडलिटीज़ है जो हमने बताया है इस केस में कि मॉर्निंग में कम होती है सोने के टाइम में बढ़ जाती है, तो अगर आपके अपोजिट है वो कंप्लेन तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियोज़ में, इस 4 TNS वीडियोज़ में मैंने 5 केस एनालिसिस किए हैं, उनके कारण, उनकी मेडिसिंस, प्रेजेंट कंप्लेन, पास्ट फैमिली हिस्ट्री, अदर कॉम्प्लिकेशंस, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स, मैंने सब बताया है।
कैसे यूज़ करना है, कितने टैबलेट्स यूज़ करनी है, कितने दिनों तक लेना है, मैंने इस वीडियोस में आपको सब बताया है। तो आप अपने केस को एनालाइज़ करिए, जिस केस से भी आपके सिम्टम्स आपको 50-70% मैच करते हैं तो वो मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको सिर्फ 10-20% या 30% मैच करते तो भी आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे मेडिसिन हैं, इन पेशेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं बताए हैं क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मेक ऑफ फिजिकल बॉडी। अब मैं आपको इन 5 केसेस के ह्यूमन स्ट्रक्चर तो नहीं बता सकती कि वो कैसे दिखते हैं, वो मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे सकते, पर जितना मेरे से ट्राई हो सकता है मैंने आपको इस वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी है कि कैसे आप अपने केस को एनालाइज़ कर सकते हैं और कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि होम्योपैथिक में DNS ट्रीट होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट DNS पे ट्रीट किए हैं, अभी भी हमारे पास पेशेंट हैं जो रनिंग में हैं और बहुत सारे डिस्क्लोज हो चुके हैं क्योंकि वो ठीक हो चुके हैं। जो हमने स्टार्टिंग के केस बताए हैं वो सब कम्प्लीटली क्योर हैं। आपको ये ट्रीटमेंट ड्यूरिंग में, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और इन केस से रिलेटेड होने के बाद आप ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि मेडिसिन ड्यूरिंग में आपको पिकल्स नहीं यूज़ करनी है, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। मेरा सिर्फ एक वन इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि आपको ठंडी चीज़ें और विटामिन सी से रिलेटेड सीट्रेट फ्रूट्स यूज़ नहीं करने हैं और पिकल्स यूज़ नहीं करना है। बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं, सभी सारे फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं सिवाय सिट्रस फूड्स को अवॉइड करके। और आज जो मैंने इस वीडियोस में आपको 5 केसेस में मेडिसिंस बताई हैं वो सब पेशेंट्स के डिपेंडिंग ऑन केसेस पे मेडिसिंस हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि केस सिमिलर होने पर ही ये मेडिसिन यूज़ करिए। हालांकि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं पर आपको वो बेनिफिट भी नहीं करेंगे। अगर आपके सिमिलियर होंगे तो आपको 50-80% गुड रिजल्ट देखते हैं और रैपिड इफेक्ट होता है, विद इन 24 आवर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। जो हॉरिबल कंडीशंस होती है जैसे रनिंग नोज है, स्नेजिंग है, कोल्ड कफ लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स है, थ्रोट इरिटेशन है, स्लॉविंग है, थ्रोट पेन है, तो ये 24 आवर में सिम्टम्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और जो एक वॉल होती है जो डिस्प्लेस होता है नेजल का, उसको ट्रीट होने में थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि स्लोली स्लोली ट्रीट होती है। जो हॉरिबल कंडीशंस होती हैं वो रैपिड क्योर हो जाती है होम्योपैथी में। और मैं आपके अपने सभी व्यूअर्स और सभी डॉक्टर्स, सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और होम्योपैथी के बारे में बताएं कि होम्योपैथी में सभी डिसीज ट्रीट होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ट्रीट नहीं होती, इवन बर्थ डिसऑर्डर भी ट्रीट होते हैं होम्योपैथी में और डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर्स। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ यूज़ करिए होम्योपैथी, अपनी फैमिली में यूज़ करिए, अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स को भी होम्योपैथी के बारे में जानकारी दीजिए। मेरा एक यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथी को जानें और होम्योपैथी में डाइवर्ट हों और अच्छा हेल्थ हो। जो एलोपैथ मेडिसिन खाने की वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशन बॉडी में अपीयर हो जाती हैं और वो ट्रीट नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग 10-20 ईयर्स तक मेडिसिन खाते रहते हैं और बॉडी वास्ट हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि वो होम्योपैथी एक नेचुरलपैथी यूज़ करें और अच्छा बेनिफिट हो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और वो ट्रीट हो जाए। मैं अपने नेक्स्ट DNS 5th वीडियोस में मैं आपको फिर 5 केस एनालाइज करूँगी और उसमें भी डिफरेंट मेडिसिंस बताऊँगी DNS के, क्योंकि ये सिर्फ केस एनालिसिस में मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से लेकर 4th तक मैं हमेशा यही अपने वीडियोस में बताती हूँ कि होम्योपैथिक में स्पेसिफिक कोई भी मेडिसिंस नहीं होती हैं और DNS की लॉट ऑफ मेडिसिंस हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिंस हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन और केस पे डिपेंड करती हैं कि किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन डायग्नोस करके हम लोग देते हैं। जो मेडिसिन हमने वीडियोस में बताई थी स्टार्टिंग में 3 वीडियोस में, वो कॉमन मेडिसिन हैं। जो आज मैंने बताई वो डिपेंडिंग ऑन केसेस मेडिसिन हैं और नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं 5 केसेस एनालाइज करूँगी जिसमें मैं और भी मेडिसिन डिस्क्लोज करूँगी। तो ये 5 केसेस और इस वीडियो में मेडिसिन हैं, आप इन्हें यूज़ करिए और गुड रिजल्ट लीजिए, रैपिड क्योर होइए जल्दी as well as soon।
और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस और डिसीज़ के बारे में मेडिसिन डिस्क्लोज करूँगी, डिस्कस करूँगी, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।